ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ एक्स इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। एक्स हमारा क्या है, कोई भी नॉन जीरो। नॉन जीरो बोलने का क्या मतलब है कि एक्स जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता है। तो इफ एक्स इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, शो दैट कॉस थीटा एंड साइन थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। इसका क्या मतलब है कि अगर तुमने एक्स का वैल्यू जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले लिया, मान लो टू ले लिया, ठीक है, तो टू ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे एक्स की जगह टू डालो तो टू प्लस वन अपॉन टू, तो टू प्लस वन अपॉन टू क्या हो जाएगा, टू एंड हाफ। टू एंड हाफ क्या हो जाएगा, फाइव बाई टू। फाइव बाई टू की वैल्यू क्या होगी, 2.5। तो क्या बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 2.5 नहीं हो सकता, कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी 2.5 नहीं हो सकता, ये प्रूफ करो। तुम यहां पे एक्स का वैल्यू जीरो तो डिफाइंड नहीं होगा, क्यों नहीं डिफाइंड होगा, बिकॉज अगर तुमने एक्स का वैल्यू जीरो लिया तो यहां डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अगर मान लो कि तुमने एक्स का वैल्यू जीरो छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले लो, तो ये जो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के इक्वल ना ही कॉस थीटा हो सकता है ना ही साइन थीटा हो सकता है, ये बोला जा रहा है कि ये प्रूफ करो। मान लो एक्स का वैल्यू तुमने माइनस वन लिया तो क्या होगा, यहां पे डालोगे तो माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन, वन अपॉन माइनस वन इज माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू। तो क्या बोला जा रहा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे हमें क्या मिली, माइनस टू। तो ये क्या बोल रहा है कि कॉस थीटा या साइन थीटा का वैल्यू कभी भी माइनस टू नहीं हो सकता, इसी बात को बोल रहा है इफ एक्स इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। तो हमें ये प्रूफ करना है या ये शो करना है कि कॉस थीटा एंड साइन थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वी हैव द फॉलोइंग केसेस। इसमें हम दो केस बनाएंगे, एक्स को क्या बोल रहा है, एक्स को बोल रहा है जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो रियल नंबर तीन कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक जीरो। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो हमने क्या बोला कि एक्स को पॉजिटिव बोल दिया, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। इन दिस केस अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो मॉड एक्स आएगा, फिर मॉड एक्स में एक्स पॉजिटिव है तो एक्स आ जाएगा, तो इसके इक्वल हो गया। वन अपॉन एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। और यहां पे ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, माइनस टू रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स प्लस टू रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स, ये तो जीरो है। इसको देख लो, रूट एक्स कैंसिल, यहां से माइनस टू प्लस टू जीरो, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो यहां से लेके यहां तक ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये रूट एक्स कैंसिल होके टू आ गया। अब तुम इसको देखो, बहुत बच्चे जो होते हैं वो उनको जैसे मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, जैसे मैंने बोला कि रूट एक्स प्लस माइनस नहीं प्लस नहीं माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू, ये किसके इक्वल मिला हमें, ये इक्वल मिला एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, मैंने क्या बोला कि किसी भी नंबर का स्क्वायर लोगे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड इसमें रूट ये टू ऐड कर दिया, तो प्लस टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्वल, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के इक्वल है। तो हमें क्या मिला, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो दो होगी या दो से बड़ी होगी, सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। इसका मतलब क्या है कि तुम एक्स का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रखो, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो टू होगा या टू से ग्रेटर होगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू वन डाला तो वन प्लस वन अपॉन वन क्या हो गया, टू हो गया इस पूरे का वैल्यू। एक्स का वैल्यू मान लो हमने टू डाल दिया तो क्या हो जाएगा, टू प्लस वन अपॉन टू, तो टू प्लस वन अपॉन टू इज फाइव अपॉन टू, फाइव अपॉन टू इज 2.5, तो 2.5 तो है ना हमारा ग्रेटर देन टू, ठीक है। ये आगे बात समझ में तो हमने क्या बोला, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, कब, जब हमने एक्स को पॉजिटिव माना। केस टू में हमने क्या बोला कि वेन एक्स इज लेस देन जीरो, केस टू में हमने बोला कि एक्स जो हमारा क्या है, लेस देन जीरो है। इस केस में क्या है, वेन एक्स इज लेस देन जीरो तो इसमें हमने एक्स को क्या बोल दिया, एक्स को हमने बोल दिया माइनस वन अपॉन वाई, एक्स को क्या बोल दिया, माइनस वन अपॉन वाई।
सॉरी एक्स को हमने माइनस वाई बोल दिया, एक्स को हमने लेस देन जीरो बोला, तो एक्स को हमने बोल दिया माइनस वाई और वाई को बोल दिया पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर वाई पॉजिटिव है तो एक्स किसके इक्वल है, माइनस वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब एक्स निगेटिव है, ठीक है। अगर एक्स को हमने माइनस वाई बोला, वाई को पॉजिटिव बोला, देन एक्स इज निगेटिव। अब हमने क्या बोला, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को क्या लिखा, एक्स की जगह माइनस वाई रखा, यहां भी एक्स की जगह माइनस वाई रखा, तो हमें क्या मिल गया, माइनस ऑफ वाई माइनस वन अपॉन वाई, इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, वाई प्लस वन अपॉन वाई, ठीक है। बट अभी हमने पढ़ा है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू होता है। अभी हम ये प्रूफ करके आए हैं, वाई तो पॉजिटिव है ना, अभी हम प्रूफ करके आए ना कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, या तो टू होती है, टू से ग्रेटर होती है, ये अभी हम प्रूफ करके आए। तो वाई एक्स की जगह वाई बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वाई प्लस वन अपॉन वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, वाई पॉजिटिव है। तो अगर y प्लस वन अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है, तो इसमें मैं दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस वाई प्लस वन अपॉन वाई क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू हो जाएगा। तो हमें फाइनल कंक्लूजन क्या मिला, कि जो x प्लस वन अपॉन एक्स है, ये या तो टू के इक्वल होगा या टू से ग्रेटर होगा, कब, जब x हमारा पॉजिटिव होगा। और ये जो x प्लस वन अपॉन एक्स है, या तो ये माइनस टू के इक्वल होगा या माइनस टू से लेस होगा, कब, जब x निगेटिव होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर जेई मेन्स एंड एडवांस, याद रखना, ये बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है। x प्लस वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो, एंड x प्लस वन अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू फॉर ऑल x लेस देन जीरो, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब एक बात मैं बता रहा हूं, इसको मैं आगे प्रूफ करूंगा, अभी तुम याद रखो। साइन जो थीटा होता है ना, ऐसे हम लिखते हैं, जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया, इसको हमने ऐसे ले लिया, इसको हटाओ, y इज इक्वल टू एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आगे मैं प्रूफ करूंगा, अभी टाइम बिंग याद रखो। और f जो फंक्शन लेते हैं वो r टू r लेते हैं, r टू r बोलने का मतलब कि डोमेन भी ऑल रियल नंबर एंड को डोमेन भी ऑल रियल नंबर, मतलब कि ये जो साइन फंक्शन है, ये इसको ऐसे भी कर सकते हो थीटा की जगह, ऐसे भी लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ऐसे भी लिख सकते हो, और f हमारा क्या है, r टू r। तो हमें याद क्या रखना है कि साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, ये याद रखना, आगे मैं इसको प्रूफ करूंगा, ठीक है। और साइन फंक्शन का जो रेंज होता है वो माइनस वन टू वन होता है, मतलब क्या, जैसे हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा ना, तो x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये जो y जो कि साइन एक्स के इक्वल है, जो कि y जो कि साइन एक्स के इक्वल है, ये माइनस वन से वन के बीच में होगा, इसको याद रखना, इसको मैं आगे प्रूफ करूंगा, या माइनस वन से वाई क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू वन, ये आगे मैं प्रूफ करूंगा। ये मेरी बात आ रही है समझ में, क्या मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि साइन एक्स में जो का जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर हो सकता है, बट जो साइन एक्स है जो वाई के इक्वल है, जो रेंज है वो माइनस वन से वन के बीच में होगा, इंक्लूडिंग माइनस वन इंक्लूडिंग वन, ये तुम्हें याद रखना है। सेम लॉजिक है कॉस थीटा में, सॉरी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू हमने cos थीटा बोला, ठीक है, cos थीटा बोला या cos x बोला, तो cos x फंक्शन का डोमेन होता ऑल रियल नंबर, रेंज होता ऑल रियल नंबर। अब अगर मैं बोलूं कि cos x फंक्शन का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर, अब cos x फंक्शन का रेंज क्या है, वो अगेन माइनस वन टू वन है, इसका मतलब क्या है कि जो cos x होगा वो माइनस वन से वन के बीच में होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। cos x क्या हमारा y, ये माइनस वन से वन के बीच में होगा फॉर ऑल x belongs to R। क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब आगे तुमको इसी चैप्टर में, मतलब एक दो टॉपिक के बाद ही मैं डिटेल से बताऊंगा, जब हम लोग साइन x cos x जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उसके जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वन बाय वन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी करेंगे, तो मैं इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग कहां थे, मैंने क्या बोला है कि x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू होगा सारे पॉजिटिव के लिए, और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू होगा सारे निगेटिव के लिए। तो यहां से हमें क्या पता चला, बट साइन थीटा क्या होता है, ये तो माइनस वन से वन के बीच में होता है, इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू या तो माइनस वन होगा या तो वन होगा या तो उसके बीच का रियल नंबर होगा, बट x प्लस एक्स क्या बोल रहा है, ये दो या दो से बड़ा होगा, इसका मतलब साइन थीटा कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स के इक्वल नहीं हो सकता है, चाहे x हमारा पॉजिटिव हो चाहे x हमारा नेगेटिव हो, बिकॉज जो
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, इसको तुम ऐसे देखो, साइन फंक्शन का वैल्यू मतलब साइन थीटा का जो रेंज होगा वो यहां से यहां होगा, माइनस वन टू वन होगा, और ये अगर टू है, ये अगर माइनस टू है, तो जो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होगा वो लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू होगा, ठीक है। साइन एक्स का फंक्शन माइनस वन से वन के बीच में होगा, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स या टू से ग्रेटर होगा, माइनस टू या माइनस टू से स्मॉलर होगा। ये कब होगा, ये कब होगा, वेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू कब होगा, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस कब होगा, फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो, और साइन फंक्शन का या कॉस फंक्शन का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला, कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। आई होप काफी एक्सप्लेन कर दिया, ओवर एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस वन टू थ्री है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। कुछ बच्चों का रहता है कि सर आप आंसर नहीं कर देते हो तो प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे बोलते हैं, तो आंसर के लिए तो आपके पास कभी भी आप पूछ सकते हो, इसमें कोई ऐसे आंसर वाला है नहीं, प्रूफ डेट करना है, इसको बैठ के कर लेना सॉल्व। इलेवंथ क्लास के बच्चों को मैं स्पेशली बताता हूं कि अभी बिल्कुल जो भी टीचर तुम्हें बोल रहे हैं ना उस पर ब्लाइंडली फेथ करो, अपना दिमाग मत यूज करो, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। जैसे ये मैं क्वेश्चन देता हूं, बहुत बच्चे सोचेंगे अरे ये करने की क्या जरूरत है, एनसीईआरटी कर ले, तो ठीक है तुम एनसीईआरटी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंजीनियरिंग का मत सोचना, जो सपने में है ना बीटेक कर लेंगे और इंजीनियर बन जाएंगे, फॉरेन कंट्री चले जाएंगे, तो वो सब नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए, उसके लिए तुम्हें क्वेश्चंस करने होंगे। अब फिर यहाँ पे एक ऐसे में कई बार बोल चुका, कोई बच्चा फिर बोलेगा सर ये ऐसा क्वेश्चन थोड़े आता है जेई मेंस में। जैसे जैसे बच्चे ना, जैसे अभी तुम जेई मेंस के दो चार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव दिखेगा, बट यहाँ पे ये तो सब्जेक्टिव मैं पूछ रहा हूं, तो बहुत बच्चे बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है नहीं आता है। पहले तो मैंने बोला कि सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनने में एक सेकेंड लगता है, फिर दूसरी बात कि नहीं इतना लेंथी नहीं आता है, बट इस क्वेश्चन को करोगे तभी ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करोगे तो ऑब्जेक्टिव हिलेगा भी नहीं, याद रखना इस बात को। तो ये मैंने पांच क्वेश्चंस दिया, डू इट योरसेल्फ, घर पे बैठ के आराम से इसे सॉल्व कर लेना, अगर नहीं सॉल्व होता है मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब बच्चों कुछ नोट में आ जाओ, नोट क्या है, ये कुछ बेसिक मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, जो बेसिक है मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में कुछ चीजें जो होंगी ना वो बार बार घूम घूम के आएगी, मतलब बेसिक चीज जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उसको मैंने कोशिश किया है कि एक साथ कुछ नोट्स बना के लिख दूं, या कुछ जो ऑलरेडी आप नहीं जानते हो या जानते हो बट भूल चुके हो उसको मैंने यहाँ पे कुछ एज अ नोट्स बना के लिख दिया है, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा डिटेल से स्टडी कर लेंगे, तो इससे हमारा जो फाउंडेशन है मतलब कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, तो बाकी जो इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो समझने में काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो नोट नंबर वन, नोट नंबर वन में सबसे पहला कंफ्यूजन, पाई हमारा रैशनल है इरैशनल है, तो बच्चे बोलेंगे इरैशनल है, तो बहुत अच्छी बात। तो फिर मैं बोलूंगा पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 होता है, तो बोलेंगे बिल्कुल होता है, तो वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना अपनी बात में। अगर पाई रैशनल नंबर है तो फिर उसका वैल्यू 22 अपॉन 7 हो नहीं सकता, बिकॉज इरैशनल नंबर कैन नेवर बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, बट 22 अपॉन 7 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो पाई इरैशनल नंबर है और पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 नहीं होता है। बट फिर कुछ बच्चे बोलेंगे एनसीईआरटी में तो होता है कि टेक पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, हाँ तो होता है एनसीईआरटी में, तो वो जो 22 अपॉन 7 जो होता है वो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो पाई का ना अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 22 अपॉन 7, ठीक है। बट पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22 अपॉन 7, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि टेक पाई एज 22 अपॉन 7, इसका मतलब कि उसने पाई का अप्रोक्स वैल्यू लिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया है। और अगर क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा है, पाई लिख के छोड़ दिया है और तुमने अपने मन से 22 अपॉन 7 उसका वैल्यू पुट कर दिया, तो रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना अब के लिए। अगर पाई का वैल्यू कुछ नहीं गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि टेक पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, तब तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुमने अपने खुद से ले लिया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड इज कॉन्स्टेंट,
पाई रैशनल नंबर है, कांस्टेंट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हमें पता है ना कि इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, ना रिपीट करेगा और ना रुकेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना ही टर्मिनेट मतलब ना ही रुकेगा और ना ही कोई डिजिट रिपीट करेगा, ये इरेशनल नंबर की खूबी होती है। ये सब तो बेसिक मैथमेटिक्स में काफी बता रखा है, ठीक है। तो ये तो हमने लिया है ना 3.14, एक्चुअल में अगर मैं पाई का वैल्यू लू तो 3.14567958240 ऐसे करके इनफिनाइट तक बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, एंडलेस होगा, बट हमने उसका अप्रोक्स वैल्यू क्या ले लिया 3.14। और 22 को अगर तुमने 22 को डिवाइड अगर तुमने किया 7 से, तो 22 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये देख लो। देखो मैं दिखा देता हूं, अगर तुमने आई होप ये कैलकुलेटर दिख रहा है आपको, इसके डिजिट्स भी दिख रहे हैं, अगर मैंने 22 डिवाइडेड बाई 7 लिया तो देखो ये तो आ गया 22 डिवाइडेड बाई 7, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो देखो ये क्या आ रहा है 3.14। तो इसका मतलब कि जो 3.14 पॉइंट के बाद दो डिजिट लिया हमने पाई में, पाई का एक्चुअल वैल्यू होता है 3.14, उसके बाद यहां 14 के बाद इनफिनाइट तक बढ़ता जाता है, ठीक है। बट 22 अपॉन 7 के डेसिमल के बाद का दो डिजिट और पाई के डेसिमल के बाद का दो डिजिट ये मैच करता है, इसीलिए हम लोग जब पाई को अप्रोक्स करते हैं ना तो उसे 22/7 ले लेते हैं। बट अगर तुम पाई के डेसिमल के दो डिजिट के बाद देखोगे और 22/7 के डेसिमल के दो डिजिट के बाद देखोगे तो नंबर वेरी करने लगेगा। जैसे यहां पे 22/7 के बाद 3.14 के बाद क्या है 2 है, तो पाई में तुम्हें यहां पे 4 दिखेगा, 4 नहीं शायद आई थिंक 5 या 7 दिखेगा, समझ में आ रही है बात। तो दो डिजिट के डेसिमल के दो डिजिट के बाद पाई और 22/7 का जो नंबर है वो चेंज होने लगेगा, बिकॉज 22/7 पाई के इक्वल है नहीं, बट हम जब पाई को अप्रोक्सीमेट करते हैं ना तो उसको हम 22/7 ले लेते हैं। काफी बोल दिया मैंने इसमें, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू 22/7, अगर मैं तुमसे बोलू ट्रू है या फॉल्स है तो आंसर इज फॉल्स, ठीक है, ऑब्वियसली बात है पाई कैन नॉट बी इक्वल टू 22/7। तो पाई क्या हमारा इरेशनल नंबर है, 22/7 क्या रैशनल नंबर है, सो एन इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है। 22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, 22/7 क्या है पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में। अब आ जाओ बच्चों नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 2 में क्या है 1/0 इज नॉट इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये एक बहुत छोटा सा मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूं ना और मैं बच्चों को बोलता हूं कि 1/0 इज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो कुछ बच्चे खड़े हो जाते बोलते कि सर हमें तो फिजिक्स वाले सर ने बताया कि 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो आप बोल रहे हैं कि 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता है, तो यहां पे चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो फिजिक्स वाले सर ने बोला होगा 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो फिजिक्स वाले सर ने भी सही बोला होगा बट तुमने उसको सही से इंटरप्रेट नहीं किया। अगर देखो यहां पे ये बात जो मैं बता रहा हूं समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अभी छोड़ देना, एक चैप्टर है 11th में लिमिट्स, जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे ना तो फिर जाके अभी जो बता रहा हूं उसका पिक्चर ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने ऐसे लिखा एल आई एम और यहां पे मैंने बोला कि एक्स इज ट्रेंडिंग टू 0 1/x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी या इंफिनिटी हो जाएगा। अगर इसका क्या मतलब है कि इसमें हम जीरो डाल नहीं सकते, ऐसा नहीं कि इसका मतलब क्या, पहले अगर मैंने बोला ना, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एल टी एक्स स्टैंडिंग, ये एक बोलने का क्या मतलब है एक्स जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, तो 1/x का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इंफिनिटी है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम डिनोमिनेटर को ना बहुत छोटा करते जाओ, ठीक है, कभी जीरो के इक्वल मत करो, मतलब 1/0.0001 crore by 01 इतना छोटा नंबर डिनोमिनेटर में लो, तो ये जो नंबर होगा ना ये इंफिनिटी की ओर बढ़ता जाएगा।
कभी इंफिनिटी तक पहुंच नहीं सकता, बिकॉज कभी भी एक्स जीरो नहीं होगा। यहां पे हम बोल रहे हैं एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर हमने एक्स का वैल्यू जीरो डाल दिया तब तो ये वन अपॉन जीरो डिफाइंड ही नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, अगर एक्स अब जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है तो वन अपॉन एक्स का लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू बोलने का मतलब वन अपॉन एक्स जिस नंबर को या जिस इंट्यूशन को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी नंबर के इक्वल नहीं है, इन्फिनिटी एक फीलिंग है या एक सिंबल है, नंबर नहीं है, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। तो मैं बोल रहा हूं कि वन अपॉन एक्स अप्रोच किसे करेगा, किसके क्लोज जाएगा, इन्फिनिटी के क्लोज जाएगा, इन्फिनिटी कभी हो नहीं जाएगा। तो फिजिक्स वाले अक्सर इतने चीज को ना लिख के, ऐसे फिजिक्स वाले जो सर बोलते हैं वो एक्चुअल में ये बोलते, ठीक है, तो ये बोलते, तो इस लिमिट को हटा के फिजिक्स में सर वाले सर ऐसे लिख देते, तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बोलता हूं ये गलत है, फिजिक्स में लिख देते हैं, तो एक्चुअल में ये चीज होता है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, वन अपॉन एक्स इज इंफिनिटी, वन अपॉन जीरो इज नॉट इंफिनिटी, ऐसे हम नहीं बोल सकते, ठीक है, और वन अपॉन इंफिनिटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऐसे भी हम नहीं बोल सकते, ये भी गलत है। एक्चुअल में क्या होता है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये होता है, ये करेक्ट लिखा हुआ है। ये लिमिट का एलटी का क्या मतलब है कि अगर तुम डिनोमिनेटर को बहुत बढ़ाते जाओ, बहुत बढ़ाते जाओ, मतलब 5 करोड़ डालो, 50 करोड़ डालो, 50 करोड़ पे पावर 50 करोड़ डालो, अनलिमिटेड बढ़ाते जाओ, तो वन अपॉन एक्स का वैल्यू किसकी ओर जाने लगेगा, किस नंबर की ओर जाने लगेगा, जीरो की ओर जाने लगेगा। तो इसका जो वन अपॉन एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब ये जिस नंबर की ओर जा रहा है, वो यहां पे हम लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो के इक्वल हो गया है, दिस इज नॉट करेक्ट, बट फिजिक्स वाले इस लिमिट को हटा के ऐसे लिख देते हैं वन अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये इंटरप्रिटेशन में तुम कंफ्यूज हो जाते हो। आई होप मैंने अपनी बात को आपको अच्छे से कन्वे किया, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और अगर ये बात नहीं समझ में आई तो बिल्कुल टेंशन नहीं, जैसा मैं पहले बोलता हूं कि जो चीज नहीं आती है ना समझ में उसको छोड़ दिया करो, और जो समझ में आती है उसको अच्छे से समझ लो, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जो चीज नहीं समझ में आई वो आगे जाके समझ में आ जाएगी। अभी जैसे मान लो कि एक कंसेप्ट मैंने बताया किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, अब वो बच्चा क्या करेगा, यहां पे वो टाइम वेस्ट करेगा, मतलब रुक जाएगा और इस पर रिसर्च करने लगेगा, कभी वो मोबाइल चेक करेगा, कभी सर से पूछेगा, कभी ये करेगा, ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर पाते। एक बच्चा क्या बोलेगा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं अभी समझ में आया ना, बस इसको दिमाग में वो नोट करके रख लेगा कि ये चीज हमको समझ में नहीं आई थी। तो लिमिट जब चैप्टर वो पढ़ेगा तो लिमिट में डिटेल से ये सब बात डिस्कस हो गए, तो पूरा एक चैप्टर ही है ना लिमिट्स, तो वहां पे उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो रिसर्च जो बच्चे करने लगते हैं ना अपने से, तो इसमें जो उनका टाइम वेस्ट होता है, ये टाइम उस बच्चे का वेस्ट नहीं होगा जो इसको आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए छोड़ देगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि रुकना नहीं है, कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो उसको छोड़ के दिमाग में बस नोट करके रखो, या कि एक डायरी बना लो उसमें नोट कर लो ये चीजें मुझे नहीं समझ में आई है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, पीछे की चीजें जो होती जाएंगी ना वो क्लियर होती जाएंगी। जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ गया क्या, इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ गया बताना तुम्हें साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज, ये बताने की जरूरत पड़ गई तो मैंने बता दिया, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब साइन फंक्शन का रेंज -1 से 1 के बीच में ही क्यों है, याद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, 1/0 इज नॉट इक्वल्स टू इंफिनिटी। एक्चुअली 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 जो होता है ये डिफाइंड नहीं होता है। इंफिनिटी इज जस्ट अ नोशन, नॉट अ रियल नंबर। इंफिनिटी हमारा एक नोशन है, ये रियल नंबर नहीं है। हम एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी नहीं बोल सकते, ऐसे कहीं भी तुमको लिखा नहीं मिलेगा पूरे मैथमेटिक्स के बुक में कि x को हमने इन्फिनिटी बोल दिया, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये रॉन्ग लिखा है। हाँ ये चीज मिलेगा, x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये फिर सही लिखा है, ये रॉन्ग लिखा है, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। ऐसे करके तुमको कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि यहां पे एक रियल नंबर लाइन बना लिया और ये पॉइंट देके इन्फिनिटी कर दिया, इस पॉइंट को देके माइनस इन्फिनिटी कर दिया, ये रॉन्ग है। लिखेगा कैसे, ये रियल नंबर, यहां पे रियल नंबर से हटके माइनस इन्फिनिटी, यहां प्लस इन्फिनिटी, ये राइट है।
बिकॉज रियल नंबर पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर ये पॉइंट है रियल नंबर पे तो ये एक नंबर है, तो इस नंबर को अगर मैं इन्फिनिटी बोल दूं, इस पॉइंट को मैं अगर इन्फिनिटी बोल दूं, तो हमारा इन्फिनिटी तो रियल नंबर हो जाएगा। बट इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज जस्ट अ नोशन। ये नोशन एक फीलिंग है। मैंने बोला ना कि एक्स इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इसका मतलब एक हमें ऐसी फीलिंग आएगी कि एक्स दुनिया के सबसे बड़े नंबर से भी बड़ा नंबर है, मतलब एक ऐसा बड़ा नंबर है जो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ, हाँ, थर्ड पॉइंट में क्या है। वन अपॉन इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक्चुअल में वन अपॉन इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब इतना बोलने के बाद मैं क्वेश्चन अगर बोर्ड पे देता हूं बच्चों को, या बोर्ड पे समझाता हूं, ये देता हूं क्वेश्चन। मान लो पिछले बार भी मैंने इतना कुछ समझाया, काफी कुछ लेक्चर दिया, अभी तो क्लास नहीं चल रही है, जब ऑफलाइन क्लास होती थी बोर्ड पे बच्चे ये बोर्ड पे क्लास होती थी जब बच्चे क्लासरूम में बैठे होते थे, इतना समझाने के बाद ये मैंने एक क्वेश्चन देता था कि इसका वैल्यू निकालो, देखो बच्चे कैसे कलाकारी करते थे। इसमें ऐसे मैंने बोला वन अपॉन जीरो, तो एक बच्चा जो थोड़ा समझेगा, समझदार होगा, जो थोड़ा सुना है 50% चीजों को सीख गया है, वो ऐसे बोलेगा अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो लिखेगा वन, ये मेन डिवीजन का साइन है, इनटू जीरो अपॉन वन कर देगा और बोल देगा जीरो। जो 50% समझा है बच्चा वो बोल देगा जीरो, सर इसका आंसर जीरो है। एक तो ये रिप्लाई आएगा। एक मैंने ऐसे बोला, जो बिल्कुल सो रहा होगा ना क्लास में, वो क्या करेगा कि अच्छा, वो बोलेगा वन अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, वन अपॉन जीरो को उसने इन्फिनिटी लिख दिया, फिर वन अपॉन इन्फिनिटी को उसने जीरो लिख दिया, वो भी आंसर जीरो बोलेगा, बट वो ऐसे आंसर जीरो लाएगा। एक बच्चा ऐसे आंसर जीरो लाएगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, इसने एक गलती की, इसने दो गलती की। इसने पहली गलती क्या कर दी कि वन तो लिखा, ये वन अपॉन जीरो को इसने जीरो अपॉन वन कर दिया। अब फिर कोई बोलेगा कि सर ऐसे अगर लिखा होता है ए अपॉन बी अपॉन सी, तो इसको तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ए इंटू सी अपॉन बी, तो हाँ बिल्कुल लिखते हैं, लेकिन ये कब लिखते हैं, जब हमारा ये पूरा चीज डिफाइंड हो तब इसको ऐसे लिखते हैं। बट ये जो लिखा हुआ है ना, ये डिफाइंड चीज नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज वन तो डिफाइंड है, इसका न्यूमरेटर तो डिफाइंड है, बट ये जो डिनोमिनेटर में वन अपॉन जीरो लिखा है ना, ये डिफाइंड नहीं है। तो मैं न्यूमरेटर को डिफाइन रखू और डिनोमिनेटर को डिफाइन नहीं रखू, तो ये पूरी क्वांटिटी ही डिफाइन नहीं है। तो जब ये डिफाइन नहीं है तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, वन इंटू जीरो अपॉन वन लिख के इसको जीरो लिख दे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। अब ये बच्चा जो है, जो बिल्कुल क्लास में सो रहा है, वो ये काम करेगा, वो दो गलती करेगा। पहले वन अपॉन जीरो को इन्फिनिटी लिख देगा, उसके बाद उसको याद आएगा कि अच्छा फिजिक्स वाले सर ने वन अपॉन इन्फिनिटी को जीरो बोला है, तो वो भी आंसर जीरो दे देगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं एक्चुअल में इसका ये किसके इक्वल है, ये क्या है, इट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है, एक अनडिफाइंड चीज लिखा हुआ है, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, इट इज नॉट डिफाइंड। वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पे क्या मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया भैया वन अपॉन जीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी, वन इसको बोल दिया, ये भी रॉन्ग है, इसको ऐसे कर दोगे ये भी रॉन्ग है। एक्चुअली में क्या होता है कि a अपॉन बी अपॉन सी, ए सी अपॉन बी सी के इक्वल होता है, ए सी अपॉन बी के इक्वल होता है, कब होता है, जब c जीरो नहीं हो। एंड यहां पे लिख लो एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो, b भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर b जीरो हो गया तो फिर ये हमारा नीचे का डिनोमिनेटर, मान लो कि b जीरो हो गया और c जीरो के इक्वल नहीं हुआ, तो फिर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो अगेन ये पूरा डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे कब लिखेंगे, when b इज नॉट इक्वल टू जीरो एज वेल एज c इज नॉट इक्वल टू जीरो। a जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर को जीरो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो वो फ्रैक्शन जीरो हो जाएगा, मान लो बी का वैल्यू टू है, सी का वैल्यू थ्री है, ए का वैल्यू जीरो है, तो इस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाएगा। बट
ए का वैल्यू कोई नंबर है 4, 5 है, और इस बी और सी में कोई भी एक जीरो हो गया, मान लो ए का वैल्यू 4 डाला, बी का वैल्यू 0 डाला, सी का वैल्यू 3 डाला, तो 4/0/3 इज जीरो, तो 0/3 इज जीरो, तो क्या हो जाएगा 4/0, तो 4/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, एक छोटा सा और मिसकंसेप्शन है, टैन ऑफ 90 डिग्री को बच्चे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, बहुत सारे बुक में भी लिखा होता है, बट एक्चुअल में टैन ऑफ 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता है। एक्चुअल में टैन 90 डिग्री क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं डिफाइंड है, इसको हम आगे डिटेल अभी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को पढ़ेंगे, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। कॉट जीरो अनडिफाइंड होता है, क्यों कॉट जीरो अनडिफाइंड है, बिकॉज कॉट ऑफ जीरो किसके इक्वल है, अगर मैं तुम्हें बोलू कॉट ऑफ जीरो निकालो, तो कॉट जीरो को क्या लिख सकते हो, 1/tan 0, कॉट थीटा 1/tan θ होता है ना, तो टेन जीरो इज जीरो, तो 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, तो कॉट जीरो इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं तुम्हें बोलू साइन, साइन के जगह मैं टेन 90 डिग्री बोलू या टेन पाई बाई टू बोलू, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है 1, कॉस पाई बाई टू का 0, अगेन नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं बोल देंगे, तब तो यही बात हो गई नहीं, 1/0 को अभी हम पीछे मना करके आए ना कि इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, यहां तो मना करके आए ना, यहां तो हमने मना किया ना कि 1/0 को इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, तो अगर हमने टेन 90 को इन्फिनिटी बोल दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर टेन 90 को हमने इन्फिनिटी बोल दिया इसका मतलब 1/0 को इन्फिनिटी बोल दिया, तब तो ये गड़बड़ हो गया ना। ठीक है, तो टेन 90 इज नॉट डिफाइंड, कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर तुमने कॉट 0 को इन्फिनिटी लिखा तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैथमेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, अगर तुमने कॉट 0 को इन्फिनिटी बोला, फिर किसी बच्चे ने सोचा अच्छा इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड के इक्वल होता है, तो इसका मतलब कॉट 0 नॉट डिफाइंड है, तो ये भी सही है, बट मैथमेटिकली इट इज इनकरेक्ट अगर आप कॉट 0 को इन्फिनिटी बोलते हो। ठीक है, बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे देंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड तो हो गया है, दिस इज पॉइंट नंबर 4, सॉरी थर्ड तो हो गया, दिस इज पॉइंट नंबर 4, दिस इज पॉइंट नंबर 4, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि a अपॉन b इज इक्वल्स टू 0 इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये a अपॉन b 0 के पॉसिबल कब होगा, जब a 0 हो b 0 के इक्वल ना हो। मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी फ्रैक्शन अपने न्यूमरेटर की वजह से 0 होता है। अगर मैंने बोला कि a अपॉन b 0 है, तो तुम यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकालोगे कि a तो 0 होगा, न्यूमरेटर तो 0 होगा, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तभी a अपॉन b 0 होगा। अगर डिनोमिनेटर भी 0 हो जाए, न्यूमरेटर भी 0 हो जाए, तब तो a अपॉन b नॉट डिफाइंड होगा। तो अगर मैंने बोला a अपॉन b 0 के इक्वल है, तो यहां से तुम क्या कंक्लूजन निकालोगे कि a इज 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 0 के इक्वल है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां से क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 0 के इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर 0 के इक्वल हो, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो। इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 1, न्यूमरेटर को अगर तुमने 0 किया, तो इसका मतलब x माइनस 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल्स टू 0 किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो अगर मैंने बोला कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 0 है, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये हमें मिलेगा। अगर x 1 के इक्वल है और x 2 के इक्वल नहीं है, तब जाके ये जो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लिखा है, ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात आ रही होगी समझ में। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, और क्वेश्चन एक दे रखा है, क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमें क्या दिखाना है, ये प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल है। अच्छा, ये 0 प्रूफ नहीं करना है, मतलब यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे क्या है, ये फिर एक फ्रैक्शन दे रखा है, एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन मैंने बताया कि जो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के फॉर्म का हो, तो न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हमारा एक रैशनल फंक्शन है।
तो अगर ये जीरो है तो ये तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू न्यूमरेटर जीरो के इक्वल हो एंड डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना हो। तो इसका क्या मतलब है कि इसको अगर तुम डायरेक्ट सॉल्व करोगे, जैसे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को बोला जीरो, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा न्यूमरेटर ये जीरो के इक्वल हो एंड एंड क्या हो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल ना हो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो एंड यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसको करेंगे तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन फैक्टर कर लिया हमने जीरो एंड यहां से क्या मिल गया हमें, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस वन, यहां से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई टू एंड वन, और यहां से हमें क्या मिल गई एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वन प्लस माइनस वन। अब बताओ आंसर क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू है। अब बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये क्या बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू या तो टू हो सकता है, न्यूमरेटर को अगर हमने जीरो किया तो एक्स का वैल्यू या तो टू हो सकता है या तो वन हो सकता है। इसको अगर हमने डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल्स टू जीरो किया तो ये बोला है कि एक्स प्लस माइनस वन के इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये एक प्लस वन आ रहा है ना इसमें से, तो ये प्लस वन हटा दो इसका, यहां से जो न्यूमरेटर को जीरो करके हमने एक्स की वैल्यू निकाली तो दो पॉसिबल वैल्यूज मिली वन एंड टू, तो यहां तो मना कर रहा है कि एक्स वन नहीं हो सकता, यहां माइनस वन भी मना कर रहा है, तो अगर यहां पे माइनस वन भी आ जाता तो भी हम माइनस वन को भी हटा देते, तो यहां से हमने वन को हटा दिया बिकॉज यहां तो बोल रहा है ना कि एक्स वन के इक्वल नहीं होगा, तो यहां से हमें क्या पता चल गया एक्स इज इक्वल टू टू। तो अगर मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन ये जीरो के इक्वल है, तो यहां से हमें एक्स की जो वैल्यू मिली वो टू मिली, ये हमारा आंसर है। आ रही बात समझ में, मान लो कि तुमने एक्स का वैल्यू अगर मान लो वन लेके देख लो, तो अगर वन लेके देखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां वन डालो तो वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री इज माइनस टू प्लस टू जीरो, तो न्यूमरेटर जीरो हो गया, यहां वन डालोगे तो डिनोमिनेटर भी जीरो हो गया, तब तो जीरो अपॉन जीरो जीरो के इक्वल लिखा विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू टू इज द ओनली सॉल्यूशन, अगर तुमने एक्स का वैल्यू टू लिया तो न्यूमरेटर तो जीरो हो जाएगा, देख लो फोर माइनस सिक्स प्लस टू, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा फोर माइनस वन, ये क्या हो जाएगा देखो फोर प्लस टू सिक्स माइनस सिक्स अपॉन थ्री, तो हो जाएगा जीरो अपॉन थ्री, तो जीरो अपॉन थ्री जीरो। आ रही है बात समझ में,